केस 2 साल पहले से, डेढ़ से पौने 2 साल से चल रहा है। 17 अगस्त को 2022 को सीबीआई की पहली केस फाइल हुआ था और 22 अगस्त 2022 को पीसीआर फाइल की थी। मुझे गिरफ्तार किया गया है ना, तो किसी कोर्ट ने मुझे दोषी करार दिया है, ना मेरे ऊपर कोई मुकदमा चला है, ना मेरे ऊपर कोई आरोप तय हुए हैं, ना मेरे ऊपर कोई आरोप लगे हैं। अभी तक इस केस में सीबीआई 31,000 पेज फाइल कर चुकी है कोर्ट में और 294 विटनेसेस को एग्जामिन कर चुकी है। ईडी लगभग 162 विटनेसेस को एग्जामिन कर चुकी है और 25,000 पेजेस फाइल कर चुकी है। इन सारे विटनेसेस और सारे कागजों को मिला के मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? मेरा नाम सीधे सीधे 4 स्टेटमेंट्स में आता है, वो मैं आपके सामने रखने की इजाजत चाह रहा हूं। तो मेरा चार्ज ही क्या आता है? पहला सी अरविंद मनीष सिसोदिया जी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये कहा है, स्टेटमेंट दिया है कि एक दिन मेरे घर में मेरी मौजूदगी में मनीष सिसोदिया जी ने उनको कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए। दैट्स इट मैडम। मेरे उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी मौजूदगी में कोई पैसे दिए, कोई ऐसा कोई आरोप नहीं है। मेरी मौजूदगी में सी अरविंद को मनीष सिसोदिया जी ने एक्साइज के कुछ डॉक्यूमेंट्स। मैडम मेरे घर पे ढेरों एमएलए आते हैं, ढेरों मंत्री आते हैं, ढेरों डिग्नेटरीज आते हैं, अपने अपने सेक्रेटरी लेते हैं, वो आपस में फुसर फुसर भी करते रहते हैं, आपस में डॉक्यूमेंट्स के एक्सचेंज, मुझे क्या पता कि कौन किसको क्या दे। इज दिस अ सफिशियंट रीजन टू अरेस्ट द सिटिंग चीफ मिनिस्टर? क्या ये स्टेटमेंट एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त है? नंबर एक। नंबर दूसरा स्टेटमेंट, एमएसआर मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी जी, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जगन रेड्डी की पार्टी से। एमएसआर एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे मेरे दफ्तर आते हैं। उससे 10 दिन पहले उन्होंने मेरे ऑफिस में चिट्ठी ईमेल भेजी कि मैं एमपी हूं, मुख्यमंत्री से मेरे ऑफिस वालों ने उसको 10 दिन बाद का टाइम दे दिया। वो मेरे पास मिलने के लिए आते हैं 4:30 बजे। मैं किसी वजह से जल्दी में था, आके वो मुझे कहते हैं कि मुझे दिल्ली में अपना फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है, उसके लिए जमीन चाहिए। मैंने उनको कहा कि जमीन हमारे अंडर नहीं आती, एसजी साहब के अंडर में आती है, आप मुझे चिट्ठी दे दीजिए, मैं एसजी साहब को फॉरवर्ड करूंगा एंड दैट्स इट। सो ये हुआ 16 सितंबर 2022 को उनके घर पे रेड होती है। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप केजरीवाल जी से मिले? वो कहते हैं कि हाँ मैं मिला और मैं केजरीवाल जी से अपने फैमिली ट्रस्ट की जमीन मांगने गया था। ये 16 सितंबर 2022 को सेक्शन 17 का स्टेटमेंट है। ईडी इज नॉट हैप्पी विद दिस स्टेटमेंट। 5 महीने के बाद उनके बेटे को 10 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बावजूद भी वो अपने स्टेटमेंट पे कायम रहते हैं। उनका दोबारा गिरफ्तारी के बाद स्टेटमेंट लिया जाता है, वो कायम रहते हैं। 5 महीने जब उनका बेटा गिरफ्तार रहता है तो बात फूट जाता है। 16 जुलाई को बदल लेते हैं, उसके बाद वो 16 जुलाई को वो अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं। 18 जुलाई को उनका बेटा छूट जाता है, उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं होता। दैट्स इट। स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट हो रहे थे जब तक वो अपना स्टेटमेंट मेरे खिलाफ नहीं दे रहे थे। जैसे उन्होंने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया, बेटा भी छूट गया, स्टेटमेंट होने भी बंद हो गए और 3 अक्टूबर को उनका माफीनामा भी हो गया। मिशन अकम्प्लिश। इसका मतलब ईडी का मिशन केवल और केवल मुझे फंसाना था। 3 सेक्शन 50 के स्टेटमेंट है ना, तीनों में से तीनों सेक्शन 50 के स्टेटमेंट दे आर इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ, तीनों बराबर है, तीनों की ग्रेविटी सेम है, तो उसमें से एक स्टेटमेंट के तवज्जो क्यों दी गई? क्या जांच की गई है जानने के लिए कि उसमें से एक ठीक है और बाकी दो गलत है? जो 25,000 पेज ईडी ने फाइल किए हैं कोर्ट के अंदर, उन 25,000 में जो केजरीवाल के खिलाफ वाला स्टेटमेंट है केवल वो लगाया गया, बाकी दोनों स्टेटमेंट दबा दी गए। क्यों मैम? कोर्ट के सामने तीनों स्टेटमेंट लाए जाने चाहिए थे ताकि कोर्ट डिसाइड कर सके सच्चाई क्या है। ठीक है, एक मिनट मैम। तीसरा स्टेटमेंट है उनके बेटे का, राघव मगुंटा। राघव मगुंटा से 16 सितंबर को उसके घर पे जब रेड होती है उनसे स्टेटमेंट लेते हैं, सेज व्हाट एवर हिज फादर हैड सेड। उसके बाद 10 फरवरी को उनको अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद उनके 5 स्टेटमेंट्स होते हैं, 5ों स्टेटमेंट्स में वो वही बोलते हैं जो पहले बोला। फिर 5 महीने तक वो जेल में रहते हैं। उसके बाद जब 16 जुलाई को उनके पिताजी स्टेटमेंट बदलते हैं तो 18 जुलाई को उनको छोड़ दिया जाता है।
तो सात स्टेटमेंट उनके हुए, छह में वो मेरे खिलाफ नहीं बोलते, सातवें में जैसे ही मेरे खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं उनका उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं होता, उनको जेल भेज दिया जाता है, उन्हें माफीनामा दे दिया जाता है। जो छह स्टेटमेंट्स हैं ये रिकॉर्ड पे नहीं लाए जाते। चौथा है शरद रेड्डी। शरद रेड्डी के केस में 16 सितंबर को उसको अरेस्ट किया गया, 16 सितंबर को उसने अरेस्ट हुई, उसने मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला। 9 नवंबर को उसका स्टेटमेंट दिया, उसने कुछ नहीं बोला। 10 नवंबर को उसकी अरेस्ट हुई, उसके बाद उसके 9 स्टेटमेंट्स होते हैं, मैं 9 स्टेटमेंट्स को मेरे खिलाफ नहीं बोलता। उसके बाद 6 महीने उसको अरेस्ट करने के बाद 25 अप्रैल को वो टूट जाता है और वो केवल इतना कहता है कि मैं विजय नायर के साथ मिलने सीएम साहब के पास गया था, सीएम साहब जल्दी में थे, सीएम साहब ने कहा कि विजय के टच में रहो, विजय अच्छा लड़का है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या ये 4 स्टेटमेंट्स एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करने के लिए, मैं 2 मिनट दे दूंगा, के लिए पर्याप्त है? नंबर एक। नंबर दो, जो 30,000 पेज फाइल किए गए हैं, ये 30,000 पेज के अलावा 1,00,000 पेज ईडी के दफ्तर में जो हमारी बेगुनाही के सबूत है, मैं उनको कोर्ट के सामने नहीं लाया गया। ये दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये शराब घोटाले का पैसा आखिर है कहाँ? जो शराब घोटाला कहा जा रहा है, मैम ये आरोप लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए किसी साउथ रॉबी ने शराब की हमने पॉलिसी बनाने के लिए, मैम ये जस्टिस संजीव खन्ना का ऑर्डर है, जस्टिस संजीव खन्ना का ऑर्डर मैम A22 पैरा 12, द एसर्शन इन द कंप्लेंट फाइल्ड बाय डीओई दैट किकबैक ऑफ रुपीज 100 करोड़ वॉज एक्चुअली पेड बाय लिंकर ग्रुप इज अ मैटर ऑफ डिबेट। संजीव खन्ना कह रहे हैं इसका मतलब ये साबित नहीं हुआ, इसका मतलब ये विवादास्पद है, इसका मतलब ये संदेहास्पद है, इसका मतलब इसके लिए सबूत नहीं है। तो जो 100 करोड़ रुपए ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने रिश्वत ली, वो रिश्वत तो संदेहास्पद है, तो सबूत ही नहीं है। लेकिन असली शराब घोटाला क्या है? असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद, जब ईडी की जांच शुरू हो जाती है। ईडी की जांच के 2 मकसद है, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना पूरे देश के सामने, आम आदमी पार्टी ने चोरी की है, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है, आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया, आम आदमी, और उसके पीछे एक्सटॉर्शन रैकेट करना जिसके जरिए वो एक्सटॉर्शन रैकेट करना जिसके जरिए वो पैसे इकट्ठे कर रही है। मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, शरद रेड्डी के केस में शरद रेड्डी को बेल 2 वजह से मिली। एक, शरद रेड्डी ने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया और शरद रेड्डी ने अरेस्ट होने के बाद 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया, 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड अरेस्ट, सो ही बॉट हिज बेल, ही बॉट हिज बेल, नाउ द मनी ट्रेल इज क्लियरली एस्टैब्लिश, मनी ट्रेल इज क्लियरली एस्टैब्लिश। मैम जस्ट लास्ट वन मिनट, द मनी ट्रेल इज एस्टैब्लिश मैम, उसने अपनी बेल अरेस्ट होने के बाद 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया, बीजेपी के अकाउंट में सीधा गया, मनी ट्रेल इज एस्टैब्लिश, और यही पूरी जांच का मकसद था। एक तरफ आम आदमी पार्टी को क्रश करना, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, भ्रम का पर्दा, और पीछे से एक्सटॉर्शन करना।